पे माइक लगे हुए हैं, साउंड बॉक्स है और गिटार भी। लाइब्रेरी टाइप का सेक्शन भी है यहाँ पे। पता था कि कैसे मेरी मुलाकात आयुषी से हुई एंड फाइनली हम लोगों की दोस्ती हो गई और हम लोगों ने कहा कि चलो मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितीश, वेलकम बैक टू माय चैनल नितीश एंड कुजीन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह और ये जो जगह है ये है पैंटालूंस ईस्टर्न मॉल में। सो पैंटालूंस ईस्टर्न मॉल ये है डगरा टोली चौक में। आप में से बहुत लोगों को पता होगा जो कि रांची में रहते हैं और जिनको पता नहीं है उनके लिए डिटेल में एड्रेस मैं दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा। तो पैंटालूंस जो मॉल है उसी के बेसमेंट में एक नया रेस्टोरेंट खुला है और उस रेस्टोरेंट का नाम है कैफे यम यम। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन वॉलपेपर के साथ हम लोग अभी बेसमेंट में आ चुके हैं और आपको लिए चलेंगे इसके अंदर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, कौन सी डिशेस मिलेंगी और उनका प्राइस क्या है। तो मुझे लगता है कि एकदम प्राइम लोकेशन में है रांची के, बहुत लोगों का यहाँ आना जाना होता है तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ पर एक बार आओगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये जगह कैसी है। और आज की जो हमारी फूड पार्टनर है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी और वो हमारा इंतज़ार कर रही है अंदर। तो फूड पार्टनर से मिलते हैं, तो चलिए आपको लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं और आप देख सकते हो ये है आज हमारी फूड पार्टनर। तो हेलो आयुषी। सो फ्रेंड्स, ये जो आयुषी है इनसे जो मीटिंग हुई है बहुत एक्सीडेंटली हुई है और क्या कुछ हुआ था, एक स्टोरी है इसके पीछे और बहुत फनी स्टोरी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आयुषी, तुमको यहाँ का एम्बियंस कैसा लग रहा है? यहाँ का एम्बियंस मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही क्यूट सा एम्बियंस कह सकते हैं इसे, बहुत ही कोजी सा, बहुत प्यारा है। हाँ, तो और आप इसका एम्बियंस जो है ना, जो भी इसका इंटीरियर है आपको बाहर से भी दिख जाएगा। तो बाहर से आप जब पैंटालूंस एंटर करते हो तो बाहर से भी आपको इसका इंटीरियर दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है और मुझे लगता है फ्रेंड लोगों के साथ आने के लिए अच्छा है, बहुत अप्रोप्रिएट जगह है। फ्रेंड्स के साथ आने के लिए बहुत अच्छा जगह है, आप लोग यहाँ बिल्कुल आ सकते हो, यहाँ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, बहुत प्यारे फोटोज तो बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं और हम लोग अभी खूब सारे फोटोज क्लिक कराएंगे। और यहाँ का मेन्यू कार्ड आ चुका है, तो इसके जो फोटोज़ हैं ये आप लोगों को मिल जाएगी, बस आप लोग वीडियो स्किप मत करना, तो सारे डिटेल्स यहाँ के मिलेंगे और सारा कुछ मेंशन करेगा। अभी आयुषी, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? मैं बोथ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो अभी हम लोग कुछ नॉन वेज वेज कुछ ट्राई करेंगे, यहाँ का खाना प्राइजेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये कितना एक्सपेंसिव है और कितना सस्ता है ना आयुषी? और अभी हम लोग खूब सारे फोटोज खिंचाएंगे, आप देख सकते हो हमारा यहाँ का बैकग्राउंड कितना सुंदर सा है, स्पेशली दिस वॉल, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने जानबूझ के सिलेक्ट किया ये प्लेस। हाँ। और पता है हमारे साथ जो हमारी फूड पार्टनर है आयुषी, ये एक शायरा है। अब शायरा क्या होता है तो चलिए जानते हैं। तो आयुषी, ये शायरा क्या है? शायरा का मतलब होता है जो फीमेल पोएट्रीज करती है उन्हें शायरा कहा जाता है और जो मेल पोएट्रीज करते हैं उन्हें शायर कहा जाता है। तो आयुषी जो है बहुत अच्छी पोएट्री लिखती भी हैं और बोलती भी हैं। इनके इंस्टाग्राम का पेज आप लोग देखना एक बार जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और
ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है और जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है खाना, तो आप लोगों को देखना, ये देखना आप लोग कि अभी हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर करा है और वो कितना टेस्टी आता है। सो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है, ये जो सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे माइक लगे हुए हैं, साउंड बॉक्स है और गिटार भी है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे आप आके अपने फ्रेंड लोगों के साथ, कुछ अगर कोई सिंगर है या इनके जैसे कोई शायरा है तो आप गाना गा सकते हो, गिटार प्ले करना है तो गिटार प्ले कर सकते हो, या तो नॉर्मल आप म्यूजिक के साथ डांस भी कर सकते हो अच्छे से। तो फॉर बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी या भी कोई भी पार्टी थ्रो करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए एक अच्छा एक सेक्शन ये है। जब तक आपका खाना प्रिपेयर होता है तब तक आप उस टाइम को अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे काफी अच्छा एरिया है, तो अभी हम लोग कुछ एंजॉय करेंगे। ये जो ड्रिंक है इसका नाम है देसी मोइतो। और कैसा लग रहा है श्री? अभी तो ये देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल ही कूल सा है, कूल सा है, पी के देखते कैसा लगता है। तो प्लीज ट्राई करो आप। इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एकदम लेमन से डेकोरेशन किया गया है, मिंट लीव्स है, आइस की टॉपिंग है। कैसा लगा इसका टेस्ट? बिल्कुल ही रिफ्रेशिंग है, मतलब आप बिल्कुल थके हो और अभी जैसे रांची में गर्मी है उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। टेस्ट अच्छा है। इसकी प्राइस जो है 220 rupees है। वैसे तो मैं सारे ही प्राइस मेंशन कर देता हूँ और मुझे ठीक लगा, पर इसमें मुझे दोनों फ्लेवर आ रहे हैं, थोड़ा सा मिला और साथ में थोड़ा नमकीन भी लगा, दोनों मिक्स है। मतलब कि आप थोड़ा सा नमक का भी फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा सा मीठा वाला भी फ्लेवर है। तो मैं क्योंकि मुझे दोनों नमक भी ला रहे हैं और चीनी का भी फ्लेवर आ रहा है, तो मुझे अकॉर्डिंग चल सकता है। मुझे कुछ खास नहीं लगा, ठंडा है अच्छा है पर उतना भी अच्छा नहीं लगा। पर एक अच्छी बात है कि ये बाय वन गेट वन है, मतलब कि 220 rupees में यू आर गेटिंग टू ग्लास ऑफ मोइतो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसके प्राइस होगी 110 rupees। तो प्राइस थोड़ी एवरेज हो गई है क्योंकि यहाँ के स्पेशल हैप्पी मंथ का ऑफर चल रहा है। तो ये फोटो आप लोगों को मिल जाएगा जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट देसी मोइतो ट्राई किया। तो इस ड्रिंक के साथ अभी हम लोग लेंगे मेन कोर्स और खूब सारी बातें करेंगे आयुष जी के साथ में और बताएंगे आपको एक स्टोरी जो मैं अभी तक नहीं बताया। हाँ, तो तब तक हम लोग ये ड्रिंक एंजॉय करते हैं। सो आयुष जी, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा मिनी लाइब्रेरी टाइप का सेक्शन भी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी हैं जैसे कि द वाइट टाइगर और भी बहुत तरीके की बुक है, इधर भी बुक्स है। तो अगर आप आए हुए हो और आपको कुछ बुक्स पढ़ना है या फिर अक्सर आते हो तो फिर आप ये वाला सेक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक अलग ही एरिया है, हम लोग ये देखा ही नहीं था हम लोगों ने। तो एक अलग सेपरेट जोन है कह लो, यहाँ पे प्राइवेट टाइम आप बिता सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और इसका ये जो फोटो शूट के लिए ना ये प्लेस तो परफेक्ट है। कई बार हम लोग कभी रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो हम लोगों का ये भी आजकल हो गया क्योंकि सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, क्लिक करने की जगह ही नहीं होती अच्छी, बट ये जगह बिल्कुल अच्छी अच्छी जगह है। मतलब कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो फोटोज तो आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं क्योंकि प्रॉपर लाइट है और डार्क वाला आपको यहाँ पे एम्बियंस नहीं मिलेगा, प्रॉपर फुल लाइट है। तो वो भी बहुत अच्छी बात, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, तो आपके पिक्चर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं।
जिसकी प्राइस है 379। और ये जो चिकन है ये बाय वन गेट वन वाले ऑफर में ही आपको मिल जाएगा। हैप्पी मंथ कार्ड, हैप्पी मंथ, ये जो अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है यहाँ पर आपको बाय वन गेट वन में मिल जाएगा ये बाय वन गेट वन। तो अभी हम लोग क्योंकि प्रॉपर अभी दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, तो हम लोगों ने जान के अपना जो सिलेक्शन है ऑर्डर है प्रॉपरली लंच का ही तो जीरा राइस ऑल टाइम फेवरेट एंड हम लोग के पास आंध्रा चिकन है। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आपने किया? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है इसका। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक स्टोरी के बारे में बोल रहा था कि कैसे मेरी मुलाकात आयुषी से हुई। तो हुआ क्या था कि एक क्लिप आप लोगों ने देखी होगी, इनकी जो क्लिप है वो काफ़ी फेमस थी, और मैंने एक रिकॉर्डिंग करा था मोराबादी में चाय, तंदूरी चाय के लिए, और इनकी वो जो शायरी थी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने वो शायरी यूज़ कर ली थी। और उसके बाद क्या हुआ आयुषी? उसके बाद हुआ ये कि मेरे को बहुत से DMs आने लगे, मेरे को इनकी वीडियो का लिंक आया कि आप एक बार चेक करो, ये आपकी पोइट्री आप मतलब नितीश ने यूज़ की है। तो फिर उस वीडियो को मैंने खोला, फिर देखा कि ये तो सच में ऐसा हुआ है, और मेरे को उस रिलेटेड बहुत से DMs आ रहे थे कि आपको कॉपीराइट क्लेम करना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि पहले बात करते हैं इनसे पर्सनली, फिर मैंने बोला कि यार क्रेडिट तो कम से कम देना था। बात हुई बहुत अच्छे से हुई मुझे, जब मुझे मैंने इनका जब वीडियो देखा था तो मुझे लगा था ये तो बहुत अच्छा है और मैंने यूज़ कर लिया। मुझे लगा कि कौन है ये, पता नहीं था मुझे कि ये रांची की होगी, कि रांची में भी लोग इतने अच्छे शायरी करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैंने यूज़ कर लिया था। तो गलती मेरी थी, मुझे एटलीस्ट इनको क्रेडिट देना था। नॉलेज भी नहीं था, नहीं था, कुछ पता नहीं था, स्टार्टिंग का टाइम था। फिर इनका मुझे DM आया कि आपने मेरा शायरी यूज़ किया है, फिर मैं काफ़ी डर भी गया और काफ़ी खुशी भी हुई कि एटलीस्ट इनसे मेरी बात हो रही है, क्योंकि ये इनके वीडियोज़ मैंने देखे थे। एंड फाइनली हम लोगों की दोस्ती हो गई और हम लोगों ने कहा कि चलो मिलते हैं और आज हम लोग आपके सामने हैं। और एक्चुअली नितीश के चैनल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छे इंसान। अब खाना ट्राई करते हैं। ओके, ये ऑलरेडी अच्छा। तो ये जो चिकन है आंध्रा चिकन, इसमें 6 पीसेस हैं एंड इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक लग रही है, राइस के साथ अच्छा है, आई थिंक नान या रोटी के साथ भी अच्छा जाएगा। इसके ऊपर भी कुछ मिर्च और करी पत्ता का वो तड़का भी है कुछ, तो वो आंध्रा का टेस्ट आता ही। ओके, तो ट्राई करते हैं विद जीरा राइस। नाइस, अच्छा है। करी पत्ता का काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है तड़के की वजह से। चिकन मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा था, चिकन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ पे अपना हाथ यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो इस तरह के पीसेस हैं, पीसेस थोड़े छोटे हैं बट टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। स्पाइस भी बिल्कुल बैलेंस है, चिली ज़्यादा नहीं है, खाना अच्छा है। मुझे ड्रिंक उतना टेस्ट नहीं आया था, पर मैं प्रॉपर खाने की बात करूँ तो खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। राइस भी अच्छा है, क्वांटिटी भी ठीक है, और अगर ये हैप्पी मंथ ऑफर जो है उसकी वजह से मुझे प्राइस भी थोड़ा बैलेंस लगा। अगर मैं मेनू कार्ड की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे एक्सपेंसिव लग रहा था, बट इफ़ आई टॉक अबाउट ये जो हैप्पी मंथ ऑफर जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी सारा खाना है एंड क्वांटिटी ठीक है। हाँ, क्वांटिटी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। हाँ, टेस्ट भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ मिल रहा होगा, तो अगर किसी को पता नहीं है डगरा टोली पैंटलून्स, तो सारा डिटेल है यहाँ का, फुल एड्रेस है। साथ ही मैं यहाँ के मैनेजर सर का नंबर दे दूँगा, आप अगर इनकेस बुकिंग कराना चाहते हो या फिर पहले कोई पार्टी अरेंज करानी है आपको, तो वो सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना टेबल बुक करा सकते हो या पार्टी के लिए बुक करा सकते हो, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। मेनू कार्ड का फुल पिक्चर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके सारा प्राइस और अपना बजट डिसाइड कर सकते हो। तो अभी हैप्पी मंथ चल रहा है तो ये ऑफर पता नहीं कब तक है, सो अगर आप जानना चाहते हो आप कॉल कर सकते हो। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ये ऑर्डर किया और आप लोगों को टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा। सो फ्रेंड्स, ये था कैफे यम यम।
सो हम दोनों को ही काफी अच्छा लगा, एम्बियंस सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ सोच रहे हैं कहीं आने के लिए तो ये परफेक्ट प्लेस है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जगह है, तो आप आ सकते हो। अगर साथ ही अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर लेना। और साथ ही आयशी का भी आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा। आप हम दोनों और आप अगर यहाँ पे आओ तो प्लीज आप नीतीश को टैग करना। हाँ जरूर, आप बताना कि कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का एम्बियंस, फूड एंड सारा कुछ। तो ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। भी बहुत सी जगह है जहाँ हम लोग जाएंगे और खूब सारी मस्ती होगी, खूब सारे जगहों के बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखते रहिए नीतीश एंड कुज़ीन।